Welcome to Bind EduTech, and in this video, after discussing a long background before starting the text part of this chapter. तो अब chapter का जो title है Silk Road, उसके बारे में तो तुम लोग बहुत कुछ जान चुके हो. नहीं जाने हो तो इसका मतलब बैकग्राउंड पढ़े नहीं हो, सुने नहीं हो. तो जा कर के बैकग्राउंड में देखो, तुमको पता चल जाएगा सिल्क रोड. तो ये सिल्क रोड नाम का चैप्टर, जिसके नरेटर और ऑथर निक मिडिल्टन है, इनके बारे में भी, निक मिडिल्टन के बारे में भी मैंने आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस दिए हैं. एक एक्सप्लोरर के रूप में, एक ट्रैवलर के रूप में निक मिडिल्टन के बारे में. और उसके बाद एक पिलग्रिमेज, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड, कोरा, जो इस चैप्टर का थीम है, तो उसके बारे में भी मैंने आपको, कोरा के बारे में, पिलग्रिमेज के बारे में मैंने आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें बताई. नाम मैंने बहुत सारे आपको जगह के नाम बताए, जैसे लासा बताया, होर बताया, दारचेन बताया, जो इम्पोर्टेंट हैं. तो वो नाम जब यहाँ आएंगे तो आपको मतलब अनजाने नहीं लगेंगे, अगर आप बैकग्राउंड से वाकिफ़ हैं तो ठीक है. और अचानक यहाँ से शुरू कीजिएगा तो बहुत सारा चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगेगा. तो ये पार्ट है एक बुक का, उस बुक का नाम में भी ये वर्ड है सिल्क रोड. इसके अलावा भी और वर्ड्स हैं, बुक मैंने आपको दिखा भी चुका हूँ पिक में. और ये उस बुक का एक छोटा सा पार्ट बोल सकते हो, जिसमें वो रावू नाम के जगह से निकल करके, रावू से वो निकलते हैं नरेटर निक मिडिल्टन, और उनका डेस्टिनेशन कहाँ है, दारचेन नाम का जगह. ये सब जगह तिब्बत में है. और तिब्बत एट प्रेजेंट, अगर पॉलिटिकली ये करें हम लोग, तो तिब्बत चाइना के कब्जे में है, समझो. खैर, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है. इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ये देखो, अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई, यहाँ से शुरू हुआ फर्स्ट पैराग्राफ. ये फर्स्ट पैराग्राफ जाके यहाँ ख़त्म हुआ है. देखो, ही डिक्लेयर्ड ड्रोकबा सर, ये हो गया इसका फर्स्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का. अब इस फर्स्ट पैराग्राफ में बताया क्या जा रहा है पहले ये समझ लो, उसके बाद इसका वर्ड मीनिंग्स वगैरह सब बता देंगे. इस फर्स्ट पैराग्राफ में रावू नरेटर ऑथर निक मिडिल्टन वाज लीविंग रावू, रावू नाम के जगह से वो रावू को छोड़ करके, रावू नाम के जगह को छोड़ करके अपने यात्रा में, 1832 किलोमीटर की यात्रा में, रावू नाम के जगह को छोड़ करके वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं. ही वॉज लीविंग रावू, और रावू नाम के जगह पे वो जिसके घर में ठहरे थे,
तुम उसको लॉज बोल लो, तुम उसको पीजी बोल लो, कुछ भी बोल लो। जिसके घर में वो ठहरे थे रावू नाम के जगह में, उस घर की एक सदस्य का नाम दिया गया है, कैरेक्टर में बताए हैं लामो। और ये भी वहाँ बताया गया था कि कुछ दिन रुके थे नरेटर निक मिडिल्टन रावू में। लामो को तुम मकान मालकिन भी समझ सकते हो, लैंड लेडी भी समझ सकते हो। तो वो जा रहे हैं अब, निक मिडिल्टन निकल रहे हैं। सुबह सुबह का समय है, एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग, जिस समय चांद भी दिखाई देता है आसमान में। इतना सुबह सूर्य उग रहा है, सूर्य उग रहा है और चांद भी दिख रहा है। ऐसा मॉर्निंग था। उस समय निक मिडिल्टन निकलते हैं, बाय बाय करते हैं, गुड बाय करते हैं उस जगह को और लामों को। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। और इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है ना, उस जिस समय मॉर्निंग, जिस मॉर्निंग ये निकल रहे थे, उस मॉर्निंग एट मतलब क्या बोलोगे उसको, वो मॉर्निंग कैसी मॉर्निंग थी, एटमॉस्फेयर कैसा था, माहौल कैसा था, ये भी डिस्क्राइब किया गया है। वो जा रहे थे, आगे बढ़ रहे जा रहे थे, मतलब आगे बढ़ रहे थे अपने पिलग्रिमेज में। तो वो बेसिकली वो आगे मतलब कि कार में बैठने तक का स्टोरी इस फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। कार में बैठने तक का, फ्रॉम रावू ही वॉज लीविंग रावू, वहाँ से कार में वो बैठते हैं, तब तक का फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन है। अब फर्स्ट पैराग्राफ में क्योंकि मॉर्निंग को डिस्क्राइब करने अगर बोल देगा, मॉर्निंग को डिस्क्राइब करने बोल देगा किसी भी तरह से, तो तुमको बहुत सारे वर्ड्स यहाँ से याद करने होंगे, यूज़ करने होंगे। जैसे ये टेक्स्ट बुक है आपका, अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ रहता है, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि इन वर्ड्स का मीनिंग मैं अभी आपको बता दूं। बोला जाता है कि नोटिस करना है इनको, जहाँ चैप्टर में मिलेगा ना ये वर्ड्स, इनको नोटिस करना है। और फिर चैप्टर में जहाँ ये वर्ड यूज हुआ है, उसमें इसका क्या मीनिंग है, वो हम लोग को नोटिस करना है। ये वर्ड्स दिए रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले इन्हीं वर्ड्स को डिस्कस कर ले तब चैप्टर शुरू करेंगे, नहीं। ये एक समझ लो एक तरह का वर्कशीट है कि कहाँ कहाँ ये वर्ड्स मिलेंगे, वहाँ वहाँ नोटिस करना है और फिर उनका मीनिंग समझना है उस जगह जहाँ ये लिखे गए हैं उसके अनुसार। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे डकिंग बैक, उसके बाद ऐसे अगर चले हम तो डकिंग बैक एक वर्ड है, स्वैट एक है, कैरीड डाउन एक है, मनुवर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, तुम मतलब सीखने लायक वर्ड है। मनुवर्स, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सीखने लायक है। मनुवर्स मीनिंग बता ही दूंगा मैं। फिर है केयर्न ऑफ रॉक्स, ये भी वर्ड आएगा, टर्म आएगा। फिर है सॉल्ट फ्लैट्स, ये भी टर्म आएगा चैप्टर में कहीं, सॉल्ट फ्लैट्स।
और एक और वर्ड है बिलोड। तो ये जो 3, 2, 5, 2, 7 वर्ड हैं, ये वर्ड्स इस टेक्स्ट बुक में, मतलब इस स्टोरी में, टेक्स्ट बुक के इस स्टोरी में कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ वहाँ आपको नोटिस करना है और उनका मीनिंग जानना है। तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ ये रहा, मैंने आपको दिखाया कि एक बड़ा पैराग्राफ है जो यहाँ से यहाँ तक है, फ्लॉलेस हाफ मून से। और मैंने परिस्थिति बता दी आपको कि पैराग्राफ में क्या हो रहा है, कि नरेटर रावू नाम के जगह पे कुछ दिन हॉल्ट किए थे ड्यूरिंग हिज जर्नी, और रावू नाम के जगह पे हॉल्ट किए थे, रुके थे कुछ दिन, और वहाँ से अब वो निकल रहे हैं आगे के जर्नी के लिए। तो वो सीन यहाँ पर बताया गया है इस फर्स्ट पैराग्राफ में, बेसिकली उस सीन को बताया गया उस समय। और इस सीन में आपको जो इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है वो है डिस्क्राइबिंग द मॉर्निंग, डिस्क्राइबिंग दैट मॉर्निंग व्हेन निक मिडिल्टन वाज लीविंग रावू। उस सुबह को डिस्क्राइब करना है जब निक मिडिल्टन रावू नाम के जगह से आगे बढ़ रहे थे अपनी यात्रा में, वो मॉर्निंग डिस्क्राइब करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। बाकी चीज़ें जो है वो याद रह जाएंगी अपने, लेकिन इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉर्निंग याद रखना पड़ेगा कुछ वर्ड्स के साथ। सबसे पहले हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ करके देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से वर्ड्स के मीनिंग हमें जानने होंगे, आपको जानना होगा, तब आप मतलब समझ पाइएगा कि क्या क्या यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में एग्जैक्ट मतलब। तो फोकस करना मीनिंग्स, कौन कौन से नए वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग्स चाहिए तुमको। फर्स्ट, अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड आर गुड बाइज। मॉर्निंग का जिक्र आ गया ना, सुबह सुबह, और यहाँ साफ लिखा हुआ है हम लोग क्या बोल रहे थे, गुड बाय बोल रहे थे, किस जगह को, रावू को। किसके यहाँ रुके हुए थे रावू में, लामो नाम के लेडी के यहाँ, तो गुड बाय वो कर रहे थे। वो सुबह जो थी उस सुबह में पहला वर्ड तो तुमको ये देखो, फ्लॉलेस वर्ड मीनिंग तुमको चाहिए, ठीक है। हाफ मून तो कोई भी समझेगा, आधा चांद। उसके बाद फ्लोटेड इन परफेक्ट ब्लू स्काई, ये भी डिफिकल्ट नहीं है, चांद है तो आसमान में फ्लोट कर रहा है, फ्लोट करना मतलब तो समझते हो तैरना, जैसे मूवमेंट करना, पर तो फ्लॉलेस का मतलब तुमको चाहिए, ठीक है। इस सेंटेंस को समझने के लिए, अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड आर गुड बाइज। जिस सुबह हम लोग उस जगह को गुड बाय बोल रहे थे, वो सुबह कैसी सुबह थी, उस सुबह में हाफ मून एक परफेक्ट ब्लू स्काई में फ्लोट कर रहा था सुबह सुबह। अब फ्लॉलेस वर्ड का मतलब होता है विदाउट एनी मार्क, मतलब बेदाग। जैसे अब इसके लिए कि ये हम लोग को कहाँ मिलेगा, तो जो मैं नोट्स बनाता हूँ, यहाँ आ जाओ देखो, ये फ्लॉलेस वर्ड है ना,
देखो मैंने ये इस पैराग्राफ में मैंने नोट्स में वो ब्लू जो हाइलाइट्स की है ना, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ जो ब्लू हाइलाइट्स की है ना, उन ब्लू वर्ड्स में जो उन ब्लू ये में अगर कोई वो शब्द है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या सेंटेंस है तो वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको वो ब्लू कलर दिया है। ये थोड़ा समझ के चलना। तो फ्लॉलेस, देखो फ्लॉलेस का सब चीज़ का वर्ड मीनिंग आपको यहाँ मिलेगा। फ्लॉलेस का मतलब है विदाउट डिफेक्ट्स, परफेक्ट एंड क्लियर। किसको फ्लॉलेस बोला है? हाफ मून को। किसको फ्लॉलेस बोला है? हाफ मून को। और हाफ मून कहाँ है? फ्लोट कर रहा है। कहाँ फ्लोट कर रहा है? परफेक्ट ब्लू स्काई में फ्लोट कर रहा है। किस समय? मॉर्निंग के समय। और नरेटर उस समय क्या कर रहे थे? नरेटर उस समय उस जगह को गुड बाय कर रहे थे। वो जगह कौन सी थी? रावू नाम की जगह थी। सेकेंड सेंटेंस में है एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड। तो ये क्लाउड, इसमें से आप खाली क्लाउड जानते होंगे, पर ये टर्म है एक्सटेंडेड भी वर्ड बहुत कोई समझेगा। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड, इसका मीनिंग तुमको जानना होगा। लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स। अब लॉन्ग फ्रेंच लोव्स क्या होता है ये भी जानना होगा। ग्लोड पिंक, ये ग्लो वर्ड तो आप समझ जाइएगा, चमकना, पिंक कलर है। एज द सन इमर्ज्ड, सूर्य राइज हो रहा है जैसे जैसे। टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स। अब यहां तुमको स्प्लैश वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। विथ अ रोज टिंटेड ब्लश, तो ये भी तुमको पता होना चाहिए इस टर्म का मतलब, रोज टिंटेड ब्लश। नाउ दैट वी वर लीविंग रावू, लामो सेड शी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। अब जबकि नरेटर रावू छोड़ के जा रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, तो लामो क्या करती है? लामो उससे बोलती है कि वो उसको एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है। अब फेयरवेल प्रेजेंट वर्ड इतना टफ नहीं है कि उसको लिख के बताया जाए। अभी तक अगर तुम कैसे भी स्कूल में पढ़े होगे तो फेयरवेल जरूर जानता होगा। तो वो जा रहे थे तो फेयरवेल हुआ, तो फेयरवेल में प्रेजेंट देना चाहती थी लामो किसको? नरेटर को। तो पहले यहां से यहां तक इन तीन लाइंस में पूरा है ना सीनरी डिस्क्राइब कर दिया है एक, एंड यू हैव टू इमेजिन दैट सीनरी इफ यू वांट टू हैव इट इन योर माइंड, इफ यू वांट टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू हैव टू इमेजिन दैट टाइप ऑफ मॉर्निंग विच इज रिटन इन दीज थ्री लाइन्स। तो उसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स पता रहेगा तो तुम आसानी से उसको इमेजिन कर पाओगे और आसानी से वो याद रह पाएगा तुमको। जैसे देखो फ्लॉलेस मतलब बताएं विदाउट डिफेक्ट, परफेक्ट एंड क्लियर। अब फ्रेंच लोव्स क्या होता है? यहाँ आया था ना फ्रेंच लोव्स। फ्रेंच लोव्स ये क्या होता है? ठीक है,
तो फ्रेंच लोव्स का मतलब है पीसेस ऑफ फ्रेंच ब्रेड। ये वर्ड है ना लोव्स, ये ना कॉमन वर्ड है, सीखो इसको, बहुत जगह मिलेगा और उसका मतलब ही सब भी सब जगह एक जैसा है। LOAVES लोव्स, लोव्स जो है ना वो ब्रेड को बोलते हैं, ब्रेड को। और हमारे यहाँ रोटी भी जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड भी कभी कभी लोव्स मतलब रोटी भी होता है, रोटी का टुकड़ा भी होता है या ब्रेड का टुकड़ा। फ्रेंच लोव्स लिखा है, फ्रेंच लोव्स तो इसका मतलब फ्रांस में जैसा लोव्स होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ब्रेड हमारे यहाँ भी जो ब्रेड आता है तो स्लाइस्ड रहता है, लंबा तो नहीं रहता ज़्यादा। फ्रांस में जो ब्रेड होते हैं ना वो लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग लंबा ब्रेड रहेगा एक, उसको अपने ज़रूरत के अनुसार स्लाइस करके खाते हैं लोग, जितना मन है उतना स्लाइस करेंगे, मतलब जितना मन है उतना काटेंगे उसमें से खाएंगे। फ्रेंच लोव्स ये होते हैं, ठीक है, पीसेस ऑफ फ्रेंच ब्रेड। फिर स्प्लैश वर्ड आया है जिसका बहुत इजी मतलब है स्प्रेड, फैलाना। टिंट वर्ड आया है जिसका भी इजी मतलब है कलर, और ब्लश वर्ड आया है जिसका मतलब है शेड, शेड मतलब परछाई जैसे, ब्लश। ब्लश को ना शेड के जगह एक और वर्ड मैं देना चाहूँगा, शाइन चमक, स्पेशली तब जब ये ह्यूमंस के साथ यूज़ होता है ना तो बोलते हैं कि आज बहुत ब्लश कर रहे हो। ब्लश कर रहे हो का मतलब होता है कि आज बहुत चमक रहे हो, तो ब्लश का एक मतलब शाइन भी है, ये बात याद रखना। अब इन्हीं वर्ड्स के मदद से फ्लॉलेस, फ्रेंच लोव, स्प्लैश, टिंट, ब्लश, इनके मदद से हम लोग उस मॉर्निंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन वर्ड्स को जान करके मॉर्निंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या क्या डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि जिस सुबह नरेटर गुड बाय कर रहे थे उस जगह को, रागू नाम के जगह को, उस सुबह एक साफ सुथरा परफेक्ट ब्लू स्काई था और उसमें बेदाग हाफ मून फ्लोट कर रहा था, परफेक्ट ब्लू स्काई और उसमें एक क्लियर हाफ मून मतलब क्लियर दिखाई दे रहा था सुबह सुबह। आसमान में एक तो बताया आपको कि आधा चांद दिखाई दे रहा था और एक तो बताया कि आसमान पूरा परफेक्ट ब्लू था मॉर्निंग के समय। उसके बाद बताया कि आसमान में कुछ बादल भी थे और वो बादल जो थे वो लंबे लंबे बादल थे, मतलब एक्सटेंडेड, मतलब तुम एक्सटेंड करना मतलब तो तुम समझते हो किसी चीज़ को बड़ा करना, तो बड़े बड़े साइज के बादल थे आसमान में और वो बादलों का शेप और साइज ऐसा था जिसको कंपेयर किया गया है फ्रेंच ब्रेड के टुकड़ों से, जिसको कंपेयर किया गया है फ्रेंच ब्रेड के टुकड़ों से। और जिस तरह से जैसे जैसे सूर्य राइज होता जा रहा था वैसे वैसे जो माउंटेन के टॉप्स थे
पहाड़ों की चोटियां जो थीं उस पर जब सन का रेज पड़ रहा था, स्प्लैश मतलब स्प्रेड बताए, सन रेज जब स्प्रेड होकर के उन चोटियों पर, माउंटेन टॉप्स मतलब पहाड़ की चोटियां, उन चोटियों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था तो कैसा कलर आ रहा था उन क्लाउड्स का? पिंकिश कलर आ रहा था उन क्लाउड्स का। और उसी को वहाँ पिंक कलर लिखा है और यहाँ लिखा है विथ अ रोज टिंटेड ब्लश। अब रोज और पिंक ये दोनों वर्ड का बहुत गहरा रिश्ता है। हाँ, मानते हैं कि रेड एक भी होता है रोज, पर पिंक रोज इज अ पिंक रोज। तो यहाँ वाला जो पिंक है ना और यहाँ वाला जो पिंक रोज है, ये पिंक है। तो जो धूप, सूर्य उगते हुए सूर्य की धूप जब माउंटेन के टॉप्स पर पड़ रहे थे तो ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे चारों तरफ एक गुलाबी नज़ारा छा गया हो। गुलाबी नज़ारा, क्लाउड्स जिनका शेप एंड साइज फ्रेंच लोव्स जैसा था, वो भी पिंक कलर के, पिंक कलर में चमक रहे थे, और जो माउंटेन की चोटियां थी वो भी पिंक कलर से ग्लो कर रही थी, शाइन कर रही थी। ऐसा था वो मॉर्निंग जब नरेटर ने राहू को बाय बाय कहा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।